अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल अफरीन दस्तर खान में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमजान स्पेशल एक नई रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ मोहम्मद अली रोड का फेमस मालपुआ और रबड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते। तो सबसे पहले हम मालपुआ बनाने की तैयारी करते हैं। गैस पर एक बर्तन रखेंगे और उसमें एक गिलास दूध डालेंगे। ये 250 ml दूध है। अब दूध में हम एक कप शक्कर डालेंगे। अब इसमें 1 teaspoon इलायची पाउडर डालेंगे और इसमें 1/2 teaspoon येलो फूड कलर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध को जब तक बॉईल करना है जब तक इसमें शक्कर अच्छी तरह से घुल नहीं जाती तब हम इसे पका लेंगे। येलो फूड कलर डालने से क्या होता है ना, एकदम बाहर के जैसा लुक आता है, जैसा बाहर हम खाते हैं उस तरह का बनता है। तो यहाँ पर शक्कर हमारी घुल चुकी है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। यहाँ पर दूध हमारा ठंडा हो रहा है जब तक हम रबड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो गैस पर एक बर्तन रखेंगे। अब इसमें हम 500 ml दूध डालेंगे। ये 1/2 liter दूध है रबड़ी बनाने के लिए। यहाँ पर दूध हमारा बॉयल हो रहा है जब तक हम यहाँ पर 2 ब्रेड के स्लाइस इस तरह से कॉर्नर कट कर ली हूँ, इसे हम मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे। यहाँ पर दूध को हमारे बॉयल आ चुका है। अभी ये जो ब्रेड स्लाइसेस जो पीस के रखी हूँ अब हम इसे दूध में डाल देंगे। अब इसे दूध में डाल के अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पर हमारे दूध को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसमें 1/2 cup कंडेंस मिल्क डालेंगे। आप इसकी बजाय शक्कर भी डाल सकते हैं, पर कंडेंस मिल्क डालने से टेस्ट और अच्छा आता है। अब ये ड्राई फ्रूट मैंने कट कर ली हूँ, ये भी हम इसमें डाल देंगे रबड़ी में। आधे डालेंगे, आधे गार्निशिंग के लिए रख देंगे और इसे भी 5 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पर हमारी रबड़ी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी थिक हो गई है। इतना ही थिक रखेंगे क्योंकि ठंडे होने पर ये और गाढ़ी हो जाती है। चलिए अब गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। अब इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पर हमारी रबड़ी बनके रेडी हो चुकी है। अभी हम मालपुए की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर एक बॉल लेंगे और उसमें 4 अंडे डालेंगे। 4 अंडे मैंने बॉल में डाल दी हूँ। अंडों को फेंट लेंगे। अब इसके अंदर हम मैदे का आटा डालेंगे। ये 250 ग्राम है, ये पूरा इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये दूध ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। ये दूध भी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और मिक्स करते जाएंगे। ये 250 ml दूध था जितना, तो पूरा मैं इसमें डाल चुकी हूँ। ये देखिए पूरा बराबर हो चुका है। ये देखिए बैटर हमारा इतना पतला होना चाहिए और एकदम स्मूथ बनना चाहिए। अब हम इसे 10-15 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। यहाँ पर हमारे बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ गैस पर मैंने एक बर्तन रख ली हूँ, इस तरह चौड़ा रखना है। इसमें तेल डाल के गर्म होने रख दी हूँ। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। चलिए अब ये बैटर को कटोरे में इस तरह से निकाल लेंगे। जितना बड़ा बनाना है आपको उतना बड़ा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से मालपुआ बना लेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे पकने देंगे, फास्ट नहीं करेंगे। एक तरफ से हमारा मालपुआ फ्राई हो चुका है। चले अभी इसे पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। चलिए अब दूसरे तरफ से भी हमारा मालपुआ अच्छे से पक चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है। देखिए हमारा मालपुआ बनके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। अभी इसी तरह हम सब इसी तरह बना लेंगे मालपुआ। तो हमारा ये मालपुआ बनके रेडी हो चुका है। अभी इसके ऊपर रबड़ी डालेंगे
ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल मोहम्मद अली रोड के जैसा ही बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो हमारा ये रबड़ी विथ मालपुआ बनके रेडी हो चुका है। स्पेशल मालपुआ विद रबड़ी बनके रेडी हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसी बनी है रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मैं ये वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।